नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। तो जो पतंग के शौकीन हैं वो लोग पतंगबाजी से ही अपना मनोरंजन कर रहे हैं घरों में बैठकर। आज हम अपना एक छोटा सा कलेक्शन आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि हम रेगुलरली छतों पर से यूज़ कर रहे हैं। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो एंजॉय कीजिए हमारा ये छोटा सा एक काइट कलेक्शन। हेलो ऑल काइट लवर्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आपको सबसे पहले स्पेशल कुछ पतंग दिखाता हूँ। तो ये दो जो कि पतंग है दोस्तों स्पेशल है बिकॉज ये होममेड काइट बनाई हुई है। तो आप इसके अंदर पतंगों के अंदर कमान से लेकर थड्डे तक दोनों देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत काम करा हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ जितना भी कलेक्शन है दोस्तों वो नॉट फॉर सेल है। तो इस तरीके से आप कोई भी कमेंट करके परेशान मत होना। तो आप पतंग के अंदर देखिए काम कितना अच्छा है, इसके अंदर घुटाई से लेके आपको सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट दिखेगा। और जो ये पतंग बनाई हुई है ये पतंग गाठदार पतंग बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके कमान थड्डे देखें, आप थोड़ा सा झोल देखेंगे बिकॉज बैग में गलत तरीके से रखने की वजह से इन पतंगों में झोल आ चुकी है। और घर पर पतंग बनाइए, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके अंदर घुटाई देखें, बहुत ही लाजवाब की हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। और कहने का मतलब एक खुद में जो एक एक्सपेरिमेंट करने का जो काइट से रिलेटेड होता है उस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही खूबसूरत बनाई है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पतंग अद्दी से लेके। तो ये अद्दी जो कि पतंग है दोस्तों ये अलग अलग मेकर की पतंग है, तो ये घर पे बनाई हुई नहीं है बट ये नॉट फॉर सेल है क्योंकि कलेक्शन है काफ़ी 10 साल 8 साल 9 साल 7 साल पुरानी पतंग है। तो ये पहले की परचेज करी हुई रखी हुई हैं। और जो आप पुरानी पतंगों की फिनिशिंग देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत फिनिशिंग हो चुकी है इन पतंगों की। आप देखिए पतंग है, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आपके वहाँ पे जैसे कि मुड्डेदार ग्लासधारी पतंग कहते हैं बट और भी क्या क्या कहते हैं इसका नाम बताना। तो जो मुड्डे पर पतंग है जो कि है इसका वो त्रिवनी पेपर का यूज़ किया हुआ है। त्रिवनी पेपर लाइट होता है और जो कि है आप पेपर देखेंगे पूरा जो कि वो अजंता पेपर की पतंग है। पतंग में फिनिशिंग देखें, और जो कि पतंग है ये अद्दियाँ हैं सारी सारी, ऑलमोस्ट आपको अद्दियाँ दिखाऊंगा अभी मैं, फिर आपको जो कि इसी वीडियो के अंदर पौनी भी दिखाऊंगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी और आपने जितना भी सपोर्ट किया मेरी वीडियो को सब मतलब टोटली आपको फुल 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 एकदम फुल रिस्पेक्ट है ब्रो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप देख लीजिए मतलब कहने का मतलब ये पतंग जो कि है मांगल आ रही है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा मोटी मांगल जिसे कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर इन पतंगों को क्या कहा जाता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और पसंद करें तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन वीडियो को क्या कहा जाता है। तो पतंगों के अंदर कमान थड्डे जो कि एकदम परफेक्ट लगाए हुए हैं, तो आप इसको जो कि वो 600 रेंज पे कहीं पे भी लड़ा सकते हैं। टोटली इसके अंदर जो कि पेपर यूज़ हुआ है वाइट से लेके ब्लैक अजंता पेपर यूज़ हुआ है। तो अब आप इस पतंग की बात कर लेते हैं, पतंग की खूबसूरती आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको बताता हूँ इसमें जो कि पेपर यूज़ हुआ है वो खातिमा 4.7 यूज़ हुआ है जो कि एक बहुत ही अल्ट्रा पेपर माना जाता है। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेपर होता है ये, जो स्ट्रॉन्ग भी होता है और दिखने में भी आकर्षित होता है। तो आप पतंग के अंदर घुटाई देखें, पतंग का जो कि फर्मा है वो मीडियम फर्मा है, लेकिन पतंग का जो कि फर्मा है थोड़ा सा यूनिक है, आप सभी को देख के पता चल ही रहा होगा। तो इसको जो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे या फिर कहने का मतलब अद्दी का जो कि है मिनिमम लॉन्ग डिस्टेंस जो कि वो 700 या फिर 800 मीटर ही होता है। मैं आपको बता देता हूँ एकदम कायदे की बात है, अगर हवा तेज़ है तो आप कहीं पे भी लड़ा सकते हो उसको, 1200 1300 1000 जहाँ पे भी हो, बट मिनिमम जो कि रेंज होती है वो 800-900 मीटर ही होती है अद्दियों की। और जो आप ये पतंग देखेंगे ये पतंग जो कि ये पूरी पूरी अजंता पेपर की यूज़ होती है। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कि ये पतंग का फर्मा है वो जो कि गोल फर्मा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमने टेपिंग ऑलरेडी कर रखी है जिससे हमें कभी भी टाइम मिले तो हम इसको उड़ा दें। लेकिन आप इस पतंग का पत्ता देखेंगे बहुत ज़्यादा छोटा है बिकॉज इसको जो कि हम खींचमतानी से आसानी से लड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप इस पतंग का पत्ता देख रहे होंगे, पत्ता कितने कहने का मतलब जिसे पत्ता किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो निचले हिस्से में जिस तरीके से आप ये शेप देख रहे हैं ट्रायंगल, इसी को कहा जाता है पत्ता, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, इसका पतंग जो कि ये पतंग में थोड़ा सा वेट और पतंग को घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसका इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि पतंग बैलेंस भी रहे और आपका पतंग जो कि दूर जाने के बाद अच्छे से वर्क भी करे। कमान थ्रेड एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं, आप इसको कहीं पे भी लॉन्ग डिस्टेंस पे आसानी से लड़ा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पतंग पे। तो दोस्तों ये भी गोल फर्मे की पतंग है, आप इसके अंदर जो कि कमान थड्डे देखेंगे तो इसमें जो कि वो देसी कमान थड्डे लगे हुए हैं, ठीक है। और पतंग का फर्मा गोल फर्मा है। गोल फर्मे का यूज़ क्या होता है, गोल फर्मे का यूज़ एक्चुअली में पतंग को चक्कर खिलाने में किया जाता है। बेसिकली सब लोग जो कि गोल फर्मे का यूज़ जो कि है वो थोड़ा सा पतंग को लॉन्ग डिस्टेंस पर लड़ाने के लिए करते हैं, यानी पतंग को थोड़ा सा दूरी में लड़ाने के लिए करते हैं बिकॉज वो पतंग थोड़ी सी हैवी होती है और लॉन्ग डिस्टेंस जो कि पतंग चक्कर बहुत कम खाती है, इस वजह से गोल फर्मे का यूज़ करते हैं।
और गोल फर्मे का बेसिकली काम जो कि पतंग को घूमने के लिए करता है, इसलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस पे लड़ाते हैं। तो इसमें आप पतंग देखेंगे, ये भी गोल फर्मे की है, बट इसमें जो कि पतंग जो कि लगा हुआ है, जैसे कि अभी आपने मुड्डेदार पतंग देखी थी, तो इसमें जो कि है बिल्कुल त्रेवनी पेपर का ही पत्ता लगा हुआ है। तो आप इसका फर्मा देखिए, गोल फर्मा, और ये पतंग टोटली अजंता पेपर की यूज़ है, और ये भी गोल फर्मे की पतंग है लेकिन अद्दी है। तो आप पतंगों में फिनिशिंग देख सकते हो। तो ऑलरेडी करना क्या पड़ता है यार पतंगों को फिनिशिंग, और एक्चुअली में जितना आप पतंग को रोक के रखोगे उतना ही परफेक्ट बैलेंस बनी रहती है, जिस दिशा में आप लेना चाहते हो उस दिशा में जाती है। तो आप इस मुड्डेदार पतंग को देखेंगे, तो इस मुड्डेदार में आप पेस्टिंग देख रहे कितनी फेड हो चुकी है, लेकिन पतंग बहुत खूबसूरत है। और मिनिमम जो कि मैं आपको एक एक चौकाई दिखा रहा हूँ यार, ताकि हम लोगों का टाइम जो कि वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। आई होप आप सभी को वीडियो देखने में इन्जॉय भी हो रहा होगा, और मैं आपको कुछ खास पतंग और स्पेशल पतंग भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आप ये देख लीजिए पतंग। तो दोस्तों ये पतंग जो कि थोड़ी सी अलग फर्मे की पतंग है, और ये अलग मेकर की पतंग है, तो बट जो कि चौके के अंदर हमने रख रखी है। एक्चुअल में सारी पतंग हम उड़ा चुके हैं, बस थोड़ी बहुत ये पतंग बची हुई है इस वजह से। तो आप देख लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसका कहने का मतलब पत्ता भी देखें, और जो मुड्ढे पर जो पतंग बन रही है, कहने का मतलब टोटली बहुत खूबसूरत है। माई फेवरेट काइट ब्रो, मुझे बहुत पसंद आई है। और नेक्स्ट पतंग देख लीजिए, वापस वही पतंग आ चुकी है। और मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ यार, आप किसी को भी कांटेक्ट करते हो, चाहे से मेकर हो या फिर किसी भी शॉप को, अगर बाई चांस मैं आपको बताता हूँ भाई, प्राइस बिल्कुल मत पूछा करो। अगर आपको पतंग नहीं लेनी है तो, या फिर कुछ भी हो, तो यार सब इरिटेट होते हैं, चाहे से आप बनाने वाला हो या फिर कोई ख़रीदने वाला हो। तो आई होप आप समझ रहे हो कि बंदा इरिटेट हो जाता है। तो आप ये देख लीजिए, पतंग बहुत खूबसूरत है, और अद्दी में देख लीजिए कितना अच्छा काम है, और पतंग टोटली फेड हो रही है। और पतंग का पैटर्न देखें, पतंग में फिनिशिंग देखें, कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत है। कहने का मतलब पतंग को एक रखने की भी कला होती है, आप लोग सब समझते हो इस चीज़ को कि यार रखने वाला रखता है और उड़ाने वाला उड़ाता है। बट मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ यार, कि जिस हिसाब से भी अगर आप पतंग रखना चाहो या फिर कुछ भी हो, तो वो सब पे अलग अलग अपने अपने डिपेंड करता है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पौनी। तो आप ये अब देख रहे हो पौनी पतंग है, तो आप इसका जो कि ये देखें कितनी चढ़ी हुई कमान लगी हुई है इसके अंदर। तो दोस्तों चढ़ुई कमान का रीज़न क्या होता है, चढ़ुई कमान को जो कि है ज़्यादातर तो जो कि है वो शॉर्ट रेंज में लड़ाने के लिए की जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्योंकि चढ़ी जो कि पतंग होती है वो ऊपर फटाफट से जाती है, इसलिए चढ़ुई कमान का पतंग जो कि है वो छोटे पेज पे ज़्यादा लोग लड़ाने का पसंद करते हैं। तो आप ये देख लीजिए पतंग का फर्मा देखें, और पतंग बहुत खूबसूरत है, ये अजंता पेपर है, बहुत ही अच्छी पतंग है और पुरानी पतंग है काफ़ी। पतंग देखने के बाद ही पता चल जाता है कि आप जब ऊपर की तरफ देखोगे हेड की तरफ, तो सबकी पेस्टिंग ऑलमोस्ट सूख चुकी है। तो पतंग बहुत खूबसूरत है और काफ़ी अच्छे तरीके से रख रखी हुई है मतलब। और नेक्स्ट पतंग आ जाती है हमारी पट्टेदार, तो आप ये देख लीजिए, इसको आपके वहाँ पे क्या कहते हैं हमारे जयपुर में जो कि इसको दुपट्टेदार भी पतंग कहते हैं। आप इसके अंदर कमान देखोगे, थड्डे देखोगे, तो सबके अंदर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एक्चुअली में आप जितनी पतंग को रखोगे वो उतनी खूबसूरत बनती जाती है। तो पतंगों को यार रखना पड़ता है, तब जाके पतंग बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है। और आप इसकी पेस्टिंग देख लीजिए, ऑलमोस्ट सूख चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ जाता है पतंगों को रखने पर। तो पतंग बहुत खूबसूरत है, और ये नेक्स्ट पतंग देख लीजिए, खातिमा पेपर की पतंग आ चुकी है। दोस्तों पतंगें बहुत खूबसूरत हैं, अलग अलग हैं, पौनी है, और मैं आपको जो कि सैंपल दिखा रहा हूँ, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग ना बने। बट आपके कमेंट के अनुसार ही हम जो कि वीडियो लॉन्ग बना रहे हैं, वरना मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में दिखा देता, बट वो पार्ट की वजह से जो कि है मतलब बेकार वीडियो बनती है दोस्तों, टोटली टाइम वेस्ट होता है अगर हम छोटी छोटी वीडियोज़ बना के दिखाते हैं बंदों को। तो जैसे कि हम किसी का भी पार्ट दिखाते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि दिखा एक ही चीज़ रहे हैं और आपको फिर पार्ट में डिवाइडेड करेंगे तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। एक्चुअली में इसको टोटली एक पार्ट में डाल दें, ताकि जिस बंदे को तब देखनी हो जब टोटली देख सकता है। तो इस पतंग के अंदर आप देखें, ये पतंग दोस्तों डोंगा जिसे कह सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर लड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पतंग जो कि हमारे जयपुर की पतंग है, बहुत ही खूबसूरत पतंग है, ये भी एक डोंगा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पास से क्लोजअप से। तो ये देख लीजिए पतंग, बहुत ही अच्छी पतंग है, बाबू खान की पतंग है, जयपुर की बहुत ही फेमस जो कि है ये राजस्थान इंडिया। तो आप लोग देख ही रहते हैं, स्टैम्प भी लगी हुई है, और मैं आपको बताता हूँ ये पतंग जो कि है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे लड़ाने के लिए बनाई हुई है, क्योंकि दोस्तों जो कि डोंगा है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे लड़ाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि पतंग को जो कि है चक्कर खिलाने के लिए बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस पे पतंग लड़ाई जाती है, और वो डोंगा यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो जी ये बात जिन जिन को नहीं पता है तो ये बेसिकली उनको बताने के लिए वीडियो बनाई है, बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत लोगों को पता है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता है, कमेंट करते हैं तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। ये मीडियम फर्मा है, इसको आप खींच के भी लड़ा सकते हो, फंसा कर भी लड़ा सकते हो। पतंग बहुत पुरानी है, आपको देख के पता चल रहा होगा। पतंग की फिनिशिंग देखें, बहुत ही अच्छी है पतंग की फिनिशिंग, कहने का मतलब टोटली लाजवाब पतंगों की फिनिशिंग है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे कि ये जो कि पतंग है कोई भी सेल आउट की नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करेंगे चाहे कितना भी हम आपको बता दें ऑडियो के अंदर, लेकिन फिर भी आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी परेशान ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पतंग। और इस टाइम पर जो कि है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ टाइम जो कि हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, बिकॉज नॉइस वॉइस आसपास से ना आए लेकिन फिर भी आसपास यार मतलब टीवी भी चल रही है, थोड़ा बहुत जो कि है वो ऑडियो आ रहा है। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन शोर होता ही है, पब्लिक सिटी जो कि है। ठीक है, तो दोस्तों हम जो कि है वो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जो कि है क्वालिटी एकदम HD और एकदम परफेक्टली मिले। तो आई होप आप जो कि थोड़ी सी मेहनत को इम्प्रूव के लिए हमारे चैनल को, अभी जितने भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपसे जितने भी रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस होते हैं उन सब की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप प्रेस द बेल आइकन बिकॉज तभी आपको जितनी भी वीडियोस है वो शो हो जाएगी। ये नोकल पतंग है बट दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करेगी, चाहे से आप कहीं पे भी लड़ा लो। तो सारी ऑलमोस्ट जो कि है मैंने आपको कोई इतनी खास या कोई इतनी स्पेशल मतलब मेकर की पतंगें नहीं दिखाई हैं, बट दोस्तों ये सारी पतंग जो कि है लाजवाब है, आप बड़े से बड़े कारीगर से लड़ा सकते हो या कितने भी बड़ा मेकर क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों पतंग रखना और उसे लड़ाने की एक कला होती है। आप चाहे एक पतंग को जो कि है, चाहे से पतंग को आप 70 रुपये दे रहे हो या फिर एक पतंग जो कि है आप 12 रुपये की लड़ा रहे हो, बट एक कला ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नोकल पतंग है लेकिन पतंगें बहुत ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि दोस्तों पतंग एक बनाना आना चाहिए और लड़ाना आना चाहिए। आप बोलते हो कि मंजा कौन सा परफेक्ट है, दोस्तों मंजा कोई भी परफेक्ट नहीं है, अगर आप परफेक्ट हो तो आप कोई से भी मंजे से लड़ा सकते हो। आई होप आप लोगों का जो कि क्वेश्चन का आंसर है मैं आप इसी वीडियो के अंदर दे पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे होंगे कि पहले खुद में इम्प्रूव करो बाकी फिर बाद में आप जो कि पैसा इन्वेस्ट करो। तो आप पतंगों की जो कि कमान थड्डे देखें, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, आप इसको जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लड़ा सकते हो। ये मीडियम फर्मा है, आप फर्मे भी समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ आप सभी को कि कौन सा फर्मा क्या है। ये टोटली अजंता पेपर यूज़ हुआ है, अजंता पेपर थोड़ा सा पिछले हिस्से की तरफ खुदरा होता है, और अजंता पेपर सस्ता होने की वजह से इसकी पतंग जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है, और अजंता पेपर जो कि थोड़ा सा मजबूत भी होता है, बट उससे भी ज़्यादा मजबूत जो कि दोस्तों खतीमा पेपर होता है, और थोड़ा सा कॉस्टली होता है बिकॉज दिखने में भी आकर्षित होता है, उसे आप कलेक्शन के लिए कैसे भी रख सकते हो। आप इसके अंदर पट्टी धारा पतंग दे सकते हो, अगर इसके अंदर थोड़ी सी पतली और पट्टी होती तो पतंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो थड्डा लगा हुआ है वो एकदम कहने का मतलब ऊपर से बारीक है और नीचे से मोटा है, तो मतलब थड्डे पर काम किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पतंग है। और आप देख सकते हो आप इसके फंदे छोटे डालो चाहे बड़े डालो, बहुत अच्छा काम करेगी पतंग। और जो भी अगर आप पतंग को छत से जो कि लड़ाना पसंद करते हो तो छत से जो कि है वो अद्धी पतंग लड़ाओ, क्योंकि अद्धी पतंग जो कि है थोड़ा सा कम कॉस्टली पतंग पड़ जाती है। तो हमारी नेक्स्ट पतंग आ रही है, तो नेक्स्ट पतंग देख सकते हो आप, ये भी गोल फर्मे की पतंग है, कैमरे में थोड़ी सी आपको जो कि कम दिख रही है, मतलब इतनी राउंड पतंग नहीं है बट नॉर्मल जो कि फर्मा है इसका गोल फर्मा है, तो आप इसको जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर आराम से लड़ा सकते हो। लेकिन कहने का मतलब कमान थड्डे पर इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो कि है इस पतंग को आसानी से 700-800 मीटर पे लड़ा सकते हो। ये मिनिमम एकदम परफेक्ट रेंज बता रहा हूँ आपको, हालांकि अगर हवा तेज़ है तो आपकी काफ़ी दूर तक जा सकती है, लेकिन इस पतंग को कंट्रोल करने का जो कि रेंज होती है मिनिमम वो इतनी होती है। तो अब हम आपको नेक्स्ट पतंग दिखाते हैं, तो दोस्तों ये देख लीजिए नेक्स्ट पेपर जो कि नेक्स्ट पेपर की पतंग है एक्चुअली में, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर बटर पेपर का यूज़ हुआ है और इसके अंदर जो कि वो खातिमा पेपर का भी यूज़ हुआ है, तो दो पेपर का यूज़ हुआ है इसके अंदर। तो आप बटर पेपर का जो कि देख रहे हो, तो बटर पेपर जो कि ब्लैक से है इसमें और खातिमा पेपर जो कि है रेड से, और नीचे जो आप पत्ता देख रहे हो वो अजंता का लगा हुआ है, तो कलर में कितना फ़र्क है आप सभी देख रहे हो। पतंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये पतंग जो कि है इनको बनाने वाले जो कि है वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों जो कि काम है और उनका जो कि हम देख सकते हैं पतंग कितनी खूबसूरत है, और टोटली जो कि अब हम कलेक्शन देख रहे हैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये मेमोरी में ये सब पतंगें जो कि है वो सेव हो चुकी है, और आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, और मैं लगातार ऑडियो में बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि जो कि मेरा मैंने आपको जो पिछला कलेक्शन दिखाया था उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी थी, जो पतंग पुरानी थी दोस्तों तो वो मैंने आपको गलती से बता दी थी, इस वजह से दिक्कत होगी। तो आप पेपर में फ़र्क दे सकते हो अजंता और खतीमा में, तो दोस्तों कंटिन्यू बोलने की वजह से थोड़ा बहुत कलेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप सब जो कि उसको मैनेज करें, कोई भी आपको मतलब गलत गाइडलाइन नहीं दी है,
बिकॉज ये खुद का कलेक्शन है, ना ही किसी और का। तो आपको जो भी ये बताने की कोशिश की जाती है, किसी को भी गलत जो कि है इन्फॉर्मेशन देने की कोई भी कोशिश नहीं की जाती है, बिकॉज इससे जो कि है किसी को भी कोई लेना देना नहीं होता है। बस एक तरीके से हम अपने मनोरंजन देख रहे हैं और ख़ुद को सेव कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट पेपर में आ चुकी है पतंग और नेक्स्ट कलर है। आप लोग जो कि कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको कौन सी पसंद, मतलब कौन सी पतंग का कलर पैटर्न, क्या मतलब फर्मा पसंद जो कि आया है। तो आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का टोटली अनिवार्य है। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि जो कि वीडियो देखते हैं उन्होंने आधे से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, बिकॉज यूट्यूब सब कुछ बता देता है दोस्तों। तो यार टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई का ही चैनल है यार, सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दो। तो दोस्तों आपको जो कि है ये जो कि आप पतंग देख रहे हो इसके अंदर आपको जो कि थड्डा है जो कि वो आसानी से आर पार दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये बटर पेपर का होता है और त्रिवेणी पेपर के अंदर भी आपको आर पार दिखता है। तो आप देख लीजिए जो कि थड्डा की पेस्टिंग और आपको थड्डा जो कि वो आर पार दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत पतंग है और जब आसमान में उड़ती है तो लाजवाब पतंग लगती है। एक्चुअली मैं जो जितना पतंग में वर्क होता है, आप जितना उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे लड़ाओगे या फिर कहीं पे भी, तो आराम से पतंग जो कि हमें दिख जाती है। ठीक है, तो अब हम जो कि अब आपको नेक्स्ट पतंग दिखाते हैं। इसके अंदर आप जो कि वर्क देखें पतंग के अंदर, और आप कहने का मतलब आपका टोटली सपोर्ट है दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपको जो कि ये कलेक्शन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके मैनेज करके दिखाता हूँ। ये जो कि नोकल पतंग है बट डोंगा है, यानी बहुत ज़्यादा हैवी पतंग है। इस वजह से आपको जो कि है इन पतंगों को कहने का मतलब दूर लड़ाने के लिए तो गाइस यूज किया जाता है। मैंने आपको दिखा दिया जो कि डोंगा पतंग, तो एक बार वापस आप देख सकते हो। काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं फर्मे को लेके, तो ये फर्मा भी एक बार आप चेक कर लें। जिन्हें नहीं पता है तो उनको बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इस फर्मे का जो कि यूज़ है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर लड़ाने के लिए ही किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट, मतलब कहने का मतलब बाकी सबका अपना अपना मर्ज़ी होता है, लेकिन ये जो कि है आप लॉन्ग डिस्टेंस पर लड़ाएं। ठीक है, तो आप ये पतंग देख सकते हैं, ये टोटली अजंता पेपर का है, यानी वाइट ब्लैक दोनों पेपर जो कि है वो अजंता पेपर के हैं। हालांकि नोकल पतंग है पर काम जो कि है बहुत खूबसूरत करेगी, बिकॉज इसके अंदर पतंग के अंदर फिनिशिंग है और ऊपर से इसको काफ़ी टाइम तक जो कि रोक के रखा है। तो पतंग के कमान थड्डे दोनों सेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आप इसको कैसे भी और कहीं पर भी लड़ा सकते हो। तो आपको जो कि ये पतंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में पतंगें बना रखी हैं घर पे, तो उसका आपको जो कि है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कि है वो लिंक दे दूंगा, तो आप उसे चेक जरूर करना। नेक्स्ट पतंग हमारी ये आ जाती है, ये बहुत ही अच्छी पतंग है। आप कमान थड्डे देखें, बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, और ये मीडियम फर्मे की पतंग है। इसको आप छोटे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर आराम से लड़ा सकते हो, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैनल, मतलब कहने का मतलब चैनल से रिलेटेड जो कि है खुद का एक पेज बना रखा है SKV काइट शॉप करके, तो आप उस पर जो कि है जाइए फॉलो करें। मैंने किसी को भी फॉलो बैक नहीं कर रखा है, बिकॉज हमारी यूट्यूब की जो कि एक फैमिली है, कोई भी पर्सनली मैंने किसी को भी फॉलो नहीं कर रखा है और प्राइवेट कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, मैं उसका जो कि लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसके अंदर आपको काइट्स की फ़ोटोज़ और भी काइट्स की डिटेल्स, वीडियोस की डिटेल्स, लाइव कब आते हैं, सब की जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अब हम जो कि नेक्स्ट पतंग देखेंगे, तो ये भी डोंगा आ चुका है दोस्तों, पर ये मुड्डेदार यानी गिलासदारा पतंग है। टोटली इसके अंदर जितना भी आप पेपर देखोगे सारा वाइट ब्लू ब्लैक, टोटली अजंता पेपर है। तो आप इसके अंदर मुड्डा देखें कितना फिनिशिंग से रखा हुआ है, और कहने का मतलब सारी पतंगें लाजवाब है। आज मैं आपको ये सब पतंग जो कि है वो लाइव दिखा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो जो कि है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट पतंग हमारी ये आ जाती है, देखो दोस्तों ये पतंगें देखें, ये पतंग मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप ये पेपर देखेंगे, तो ये पेपर जो कि दोस्तों जर्मन पेपर है, बहुत ही खूबसूरत है। अब हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन ये जर्मन पेपर की पतंग है, बहुत ही खूबसूरत पतंग है, और इसमें जो कि मांगल बन रहा है वो अजंता पेपर की है। हालांकि कैमरे में इतना नोटिस नहीं हो पाता है, लेकिन ये छन करता है, और कहने का मतलब इस पर आप घुटाई और वर्क देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा पतंग। बहुत ही खूबसूरत पतंग है और लाजवाब कलेक्शन से, और भी काफ़ी पतंग है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और भी दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जो कि ये सॉल्व हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन जितने भी रह चुके हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैंने काफ़ी यार मंजा बनाने वालों के और पतंग बनाने वालों के नंबर दिए थे ऑलमोस्ट, तो उन सब ने मना कर दिया है कि यार भाई मैं हमने आपको नंबर डालने के लिए कहा था, लेकिन अब हम आपको नंबर डालने के लिए कभी नहीं कहेंगे, बिकॉज यार काफ़ी लोगों ने जो कि फ़ोन करा और उन सबको परेशान किया कि कॉस्टली मंजा है, कॉस्टली पतंग है। बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, वो शौकीनों का काम है, तो सीजनेबल एक काम अलग होता है। सीजनेबल की आपकी अद्दी जो कि है वो 6 रुपये, 5 रुपये, 4.5 रुपये की पतंग मिल जाती है, लेकिन दोस्तों शौकीनों की जो कि पतंग है वो ऑलमोस्ट 8 रुपये से
ही स्टार्ट होती है तो थोड़ा बहुत प्राइस जो कि 200 थोड़ा सा ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें मेहनत भी होती है, तो मेहनत के पैसे होते हैं उसमें। इस वजह से आप उसको कलेक्शन के लिए रह सकते हो, कुछ भी रह सकते हो, बट आप किसी से जो कि बहस करोगे तो यार वो थोड़ा सा बंदा इरीटेट हो जाता है, आप सभी समझते हो। इसलिए लेने वाला भी मतलब पतंग जो कि है और जो मज़े लेने वाला भी है तो टोटली जो कि है वो दोनों को एक ही से कंपेयर कर लेते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको जो कि है मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वो थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मज़े लेने वाले भी बहुत होते हैं। मैं यार किसी को भी वीडियो से हेट करने का कोई भी इरादा नहीं है और मैं सबको जो कि दोस्तों तहे दिल से प्यार करता हूँ और सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को देख रहे हो लगभग तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि किस किस बंदे ने मेरी लास्ट तक वीडियो देखी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट है दोस्तों। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना और कौन वो किसकी टाइमिंग तक है, बिकॉज दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो कि ये वो ज़्यादा वीडियोज़ कहने का मतलब मैं टोटली पार्ट्स में एक ही कलेक्शन को नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यार पार्ट्स में दिखाने की वजह से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है कि टाइम वेस्ट हो जाता है और वीडियो का जो कि है मनोरंजन भी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को देखनी होगी तो वो पूरी वीडियो देख लेगा और नहीं देखनी होगी तो वो आधी आधी करके देख लेगा, तो एक ही वीडियो डालें ताकि आप सभी का जो कि दिल वो खुश होता रहे। और आपके कमेंट के अनुसार ही मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है जिससे लॉकडाउन में जो कि है आप सब थोड़ा सा एंजॉय कर लोगे और इस वीडियो को थोड़ा बहुत प्यार दे दोगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कलेक्शन जो कि दो पेपर पर बना हुआ है, यानी इसमें दो अजंता पेपर यूज़ हुए हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग है एक थोड़ा सा नोकल पेपर है। तो आप थोड़ा सा शेड में देख सकते हो पतंग, ये जो कि पेपर है ये थोड़ा नोकल होता है ऊपर वाला और जो आप नीचे देख रहे हो वो बहुत बेस्ट था। तो आप जो कि है कुछ भी समझने के लिए मेरी वीडियो को आप पीछे देख सकते हो। और मैंने वीडियो जो कि है दोस्तों काइट फाइटिंग की, काइट कलेक्शन की, काइट टेपिंग की, काइट में करने कैसे डालते हैं, इन सब पे टोटली मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसकी जो कि मेरी पुरानी वीडियो देखें। और जितना आप प्रेस बेल आइकन करके रखोगे चैनल को सब्सक्राइब करके, जितने भी न्यू हैं तो आपको सारी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहा करेगी और जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको शो हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पतंग देखिए खूबसूरत है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार आपको पतंग कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये रेगुलर कलेक्शन है, आप कमेंट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ ये कलेक्शन जो कि वो रेगुलर है, यानी हम जो कि इसे कंटिन्यूस पतंग उड़ाते हैं, इस वजह से ये हमारा जो कि मोस्टली एक छोटा मोटा कलेक्शन है। तो ये देख लीजिए, कोई मतलब आप किसी भी पतंगों से या फिर किसी भी मेकर से कंपटीशन मत करना। आई होप मैं आप सबको जो कि है एक सजेस्ट करके बता रहा हूँ कि यार ये जो कि हमारा नॉर्मल उड़ाने वाला कलेक्शन है और आप सभी को दिखाता हूँ और इसमें जो कि मैं आपको फर्मे दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो कि है वो लंबे काट की पतंग है और बहुत ही खूबसूरत पतंग है। इसको लंबे काट का जो कि यूज़ है दोस्तों सबसे ज़्यादा खींचम तानी के लिए किया जाता है। अगर आपकी पुरानी पतंग है तो आप इसको 700-800 मीटर पर भी लड़ा सकते हो, वो भी थपक्की के पेच के लिए। ठीक है, तो चक्कर कम खाती है लंबे काट की पतंग, इसलिए जो कि खींचम तानी के लिए यूज़ की जाती है। यार आप सभी को जो कि है लगातार बोलने का यही रीज़न है ताकि मैं आपको जो कि है वो एक एक चीज़ जो कि क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। और यार जिसको वीडियो पसंद नहीं आती है तो यार मैं आपको किसी को भी हेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बिकॉज ये जो कि वो काइट लवर यानी काइट से रिलेटेड जितने भी हैं ये उनके लिए फैमिली की तरह के काम करता है मेरा प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो भी हेटर्स हैं वो गेट आउट, नो प्रॉब्लम ब्रो। और आप देख सकते हैं मतलब जितने भी काइट लवर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब फैमिली तरीके से हम जो कि है जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरे में इतनी परफेक्टली नहीं है बट जो भी है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ऐसा तो नहीं हूँ कि दोस्तों बैठ गए और बस कमेंट कर दिए, इस तरीके से काम नहीं बनता है। जितना भी नॉलेज है सब में बांटो और जो कि है थोड़ा बहुत सीखो, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आप सभी से। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करोगे और इस तरीके से आप सिखाते रहोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है आप सभी ने, उसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आप ये फर्मा देखें, ये चील काट का फर्मा कहा जाता है दोस्तों, जो नीचे से आप शेप देख रहे हैं उसे चील काट कहा जाता है। अगर आप ऊपर से जो कि फर्मा थोड़ा सा होता है तो उसको फिश काट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप फर्मे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ ना हो और मेरी अगर आपको ऑडियो समझ में ना आई हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ से है, ठीक है दोस्तों, तो इसे जो कि चील काट कहा जाता है। अगर थोड़ा सा शेप ऊपर की तरफ यानी मुड्डे की तरफ भी होता है तो उसको फिश काट कहा जाता है। तो ये अजंता पेपर की थी टोटली, और ये पतंग मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बट ये हमारी सेकंड पतंग है। ये देख लीजिए, ये वापस निकल आई, बाबू खान की पतंग है, बहुत ही खूबसूरत पतंग है, इसे लॉन्ग डिस्टेंस लड़ाने के लिए यूज़ किया हुआ था। और ये जो कि दोस्तों नोकल पतंग है, इसका फर्मा जो कि दोस्तों मीडियम काट है, इसको आप छोटे रेंज पे कैसे भी लड़ा सकते हो। पेपर थोड़ा सा कहने का मतलब खुदरा खुदरा रफ टाइप का पेपर है, बहुत ही खूबसूरत कहने का मतलब अजंता पेपर की पतंग है, दोनों पेपर जो कि इसमें अजंता यूज़ हुए हैं। सेकंड पतंग हमारी आ जाती है डोंगा, इसको मैंने जो कि दोस्तों ये ट्रिक की थी,
जो मैंने निचली जो आप देख रहे हो पत्ते की तरफ मैंने इसको लगा रखा था ऐसे ही। और ये काफ़ी पुरानी पतंग है यार, पता नहीं कब की पतंग है, मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं है। ये पतंग है तो बहुत ही खूबसूरत पतंग है ये, और जिस तरीके से आशीष जी ने हमारे एक रग रखी है पतंग है, लाजवाब बातें हैं। और ये शायद कहने का मतलब सब ट्रिक होती है अलग अलग, और उम्मीद करूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब की जो की है वो ट्रिक बताने की कोशिश कर पाऊँ। तो ये टोटली जो की है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से करी हुई है, दोनों तरफ से जो की इसकी जोड़ी हुई है। दोस्तों थड्डा टूटा नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये दोनों तरफ से जो की इसकी सीख जोड़ी है जानबूझ कर, बस इसका एक थोड़ा बहुत अलग ट्रिक होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी सेकंड पतंग आती है, इस पतंग का फर्मा देखें, ये दोस्तों 11 साल पुरानी पतंग है। और आप कमान देख सकते हो, कमान की शेप देखो एक बार, कमान की शेप एकदम परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि किसी की फुट पैट चिपकी है, मतलब पैरों के निशान छपे हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, पतंग बहुत खूबसूरत है यार। लॉन्ग डिस्टेंस की पतंग है, रिपेयर करी हुई है, बहुत ही लाजवाब पतंग है, गज़ब की पतंग है। आई होप आपको ये फर्मा थोड़ा सा पसंद आया होगा। और कन्ने देख सकते हैं इसके अंदर नॉर्मल सद्दी से डले हुए हैं। और यार अगर आप प्लास्टिक मांजा यानी प्लास्टिक थ्रेड को यूज़ करोगे तो काइट बंद होने के बहुत ज़्यादा, मतलब पतंगबाजी बंद होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आप अब तक वीडियो पे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्या यार चाइनीज़ मांजा यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप इन मेकर का भी देखें, बहुत ही प्रसिद्ध मेकर हैं ये, और यार यूज़ करने वाले काफ़ी यूज़ करते हैं काफ़ी जगह पे, जो कि ये बैन भी नहीं है। और काफ़ी लोग बेचारे कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जो कि है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ मांजा ही अवेलेबल हो पाता है, तो उस वजह से यार थोड़ी बहुत दिक्कत है। लेकिन काफ़ी कहने का मतलब पाबंदी और बैंड चीज़ है ये, क्योंकि यार काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों को इस वजह से, पक्षियों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है चाइनीज़ डोर से। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार मुझे कि यार चाइनीज़ मांजा यूज़ करना चाहिए या नहीं, बस मुझे इस चीज़ पे ज़रूर कमेंट चाहिए यार। काफ़ी कितना भी बोल चुका हूँ मैं, लगातार आपको बोल रहा हूँ, हालांकि यार थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बट मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार चाइनीज़ मांजा जो कि यूज़ ना करो। आई होप आप लोग समझते होंगे, और वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट करें इसी तरीके से। बस इतना सही कुछ कलेक्शन है, और मैं आप सभी को जाते जाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।